हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामीज किचन। तो आज मैं आप सभी के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल वाली पनीर टिक्का की एक रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन में 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ी सी झाग आएगी। जैसे ही झाग आनी बंद हो जाए इसका मतलब तो आपका जो बेसन है कुक हो चुका है अच्छे से। और फ्लेम बंद करके फिर हम इसमें 1 टीस्पून लाल देगी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम जो ये बेसन का पेस्ट रेडी कर रहे हैं इससे क्या होगा, जो हमारा पनीर टिक्के का मैरिनेशन है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। हमें कोई फूड कलर इसके लिए यूज़ नहीं करना पड़ेगा फिर बाद में। फिर इसके बाद जो हमने ये पेस्ट रेडी किया है इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने यहाँ पर ऐड किया 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम हंग कर्ड लिए हैं। कर्ड को मैंने मलमल के कपड़े में डाल के 1/2 आवर के लिए इसको किसी चीज़ पे मैंने टांग दिया था। और ध्यान रखिए जो यहाँ पर हमने दही यूज़ किया है उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारा मैरिनेशन है वो पनीर से अच्छे से स्टिक नहीं होगा। और फिर यहाँ पर मैंने सॉल्ट एज़ पर टेस्ट इसमें ऐड कर दिया। हम सबसे लास्ट में ही इसमें मैरिनेशन में सॉल्ट ऐड करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं करना हमें। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लीजिए, हमारा जो मैरिनेशन है वो हो चुका है रेडी। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो पनीर के क्यूब्स कट कर लिए थे। और जो हम पनीर लेते हैं मार्केट में उसमें अक्सर पानी होता है, तो चेक किए जो हम पनीर ले रहे हैं उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। अगर पानी है भी तो उसको थोड़ी देर किसी पैन में कुक कर लीजिए, अराउंड 5 मिनट्स। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज भी क्यूब करके ऐड कर दिए थे और शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी। और मैरिनेशन को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीरे धीरे हम इसको मिक्स करेंगे। हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है इसके ऊपर, नहीं तो जो हमारे पनीर के क्यूब्स है वो टूटने शुरू हो जाएंगे। जो हमारा मैरिनेशन है वो हो चुके हैं रेडी। अब इसको मैंने क्लिंग रैपर से अच्छे से रैप कर दिया था। आप इसको किसी प्लेट से भी कवर करके 1 आवर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर लिया, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से लंबे वाले टूथपिक्स भी ले सकते हैं। एक एक करके हम इसमें पनीर के जो क्यूब्स हैं वो लगाते जाएंगे। और जैसे वीडियो में दिखाया है कैसे क्यूब लगाने हैं, आपको बिल्कुल सेम वैसे ही लगाने हैं। अगर आप इसको नॉर्मली सेंटर से लगाएंगे तो जो पनीर के पीसेस है वो टूट जाएंगे। अब हम इसको हाई फ्लेम पे गैस पे कुक कर लेंगे अच्छे से। पनीर टिक्का है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बट इसमें अब हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए, पनीर टिक्का हो चुका है रेडी। आई होप आप सबको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।